हमने स्टार्ट किया था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूलाज हैं, पहला फॉर्मूला था एल वेक्टर आर क्रॉस पी वेक्टर, ये हमने कर लिया। एक और फॉर्मूला हमने किया एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ये भी हमने कर लिया। दोनों फॉर्मूलाज किए मैंने आपको। इसका जो प्रूफ करवाया था एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, वो ऐसे करवाया था कि जैसे लीनियर मोमेंटम पी क्या होता है एम इंटू वी, ऐसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। जो काम एम करता है वो काम आई करेगा, जो काम वी करेगा वो काम ओमेगा करेगा, ऐसा हमने डिस्कस किया था। ये प्रूफ हमने किया था, बताया था ये प्रूफ मैंने इसमें नहीं। तो एक्चुअल में रोटेशनल मोशन से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे पी इज इक्वल टू एम इन टू वी वैसे एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये सही नहीं है। आपको ऐसे बोलना चाहिए कंसिडर अ रिजिड बॉडी, ये मान लो एक बॉडी है और ये घूम रही है विद ओमेगा। पार्टिकल्स हैं एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन, हर पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर एन। हर पार्टिकल की कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वी वन वी टू वी थ्री अप टू वी एन। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला वैलिड है, तो वी वन क्या होगा आर वन ओमेगा, वी टू क्या होगा आर टू ओमेगा, वी थ्री क्या होगा आर थ्री ओमेगा। तो लीनियर मोमेंटम पी वन क्या होगा एम वन इन टू वी वन, वी वन की जगह आर वन ओमेगा, और एल वन क्या होता है लीनियर मोमेंटम पी वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वन। तो आर वन इंटू पी वन एल वन है। पी वन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एम वन आर वन ओमेगा पुट कर दें ये एल वन आ गया। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए टू लगा दें, एनथ के लिए एन लगा दें, टोटल एंगुलर मोमेंटम में सबको ऐड कर दें, ओमेगा बाहर आ गया, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर एम थ्री आर थ्री स्क्वायर को क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो फॉर्मूला आ गया एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। तो ये एक्चुअल तरीका है टू प्रूव एल इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। ठीक,